humans and welcome back to humanities. I am Purva and आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 US hegemony in world politics की. तो ये है हमारा बुक 1 contemporary world politics का 3rd चैप्टर एंड आज फुल fledged चैप्टर हम विद इन दिस लिमिटेड टाइम कवर कर लेंगे. पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा. आई विल मेक यू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स यूजिंग माय नोट्स व्हिच आई हैव मेड आउट ऑफ द एनसीईआरटी इटसेल्फ. आपको सिंपली अपना एक रजिस्टर रख लेना है इस तरह और इस साइड आपकी एनसीईआरटी. मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो मेकिंग सिमिलर नोट्स. इससे आपकी जो खुद की क्लैरिटी होगी टॉपिक की वो बहुत ज्यादा ही अच्छे वे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी एंड यू विल नो कि हाँ अब भैया ऐसे में आंसर लिख के आऊंगा बिकॉज दीज नोट्स आर ऑल्सो योर आंसर राइटिंग नोट्स. क्लियर है? चलिए सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. चलिए सो हम एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का. ये जो नेम है इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. हेजेमनी इज अ न्यू वर्ड फॉर अस. हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस या फिर पावर या फिर इन्फ्लुएंस. क्लियर है कि कोई एक लीडर है या फिर कोई एक, जैसे कहते हैं ना, उसकी दादागिरी चलती है पूरे वर्ल्ड में. तो यहां बात हो रही है नाउ ओनली एंड ओनली यूएसए इज लेफ्ट टू बी अ सुपर पावर. कैसे, जरा समझते हैं. अभी तक इससे पहले हमने क्या क्या समझा है भैया? 1914 से 1918 तक चली हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्लियर है? उसके बाद हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1939 से लेकर 1945 तक. क्लियर है? आगे चलते हैं. फिर भैया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन सा एरा आया? कोल्ड वॉर एरा. इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम 1945 टू 1991. तो हमारा जो ये कोल्ड वॉर एरा है इसको पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा है. अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन. तो कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. क्लियर है? अब भैया यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई कब? 1991 में. तो यूएसएसआर तो अब रहा नहीं सुपर पावर, सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर बच गया, राइट, विच इज यूएसए. तो दैट इज वाई 1991 ऑनवर्ड्स हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस. क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा और आगे इन डेप्थ समझते हैं. इधर यहां से स्टार्ट करते हुए बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. कौन से वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है? जहां पे यूएस इज द ओनली सुपर पावर, राइट. यूएस डोमिनेंस चल रहा है, यूएस हेजेमनी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द ग्लोब, राइट. अब भैया सोचने वाली बात ये है कि 1991 जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उससे पहले भी, इनफैक्ट 1945 से ही भैया अगर हम ध्यान से समझें तो यूएस हेजेमनी चलती आई है. यूएस हैज ऑलवेज बीन अ सुपर पावर. द यूएस डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग, यहाँ पे देखो मेंशन है, द यूएस डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हेजेमनिक पावर राइट फ्रॉम 1991. जो बिहेवियर था एज अ हेजेमनिक पावर वो तो भैया वी वर इनफैक्ट लिविंग इन अ पीरियड ऑफ हेजेमनी विदाउट इवन रियलाइजिंग. हम तो एक पूरे पीरियड में रह रहे थे. इतने सालों से यूएस का हेजेमनी वाला बिहेवियर ही चालू था एंड वी डिडंट इवन रियलाइज इट, राइट. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? व्हाट वाज दिस प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूएस हेजेमनी. ये यूएस हेजेमनी भैया क्या प्रूफ है हमारे पास इसको साबित करने के लिए कि यूएस की दादागिरी चलती है भैया, यूएस की डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, राइट. सो वील अंडरस्टैंड द स्टेप्स और द प्रोसेस विच लेड टू दिस कंक्लूजन. चलिए अब आगे चलते हैं. चलिए अब हम पहले स्टेप पे आएंगे, पहले इवेंट पे आएंगे जहां से हमें पता लगता है कि भैया यूएस एक्चुअल में एक हेजेमनिक पावर है. उसमें एक्चुअली वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड पे अपनी चलाने की, वो डोमिनेंस है, राइट. सो हम इवेंट बाय इवेंट प्रूव करेंगे जैसे मैंने बोला, राइट. तो अब हमारा ये पहला इवेंट है, राइट. चलिए तो फर्स्ट इवेंट होता है हमारा इन अगस्त 1990. बहुत ध्यान से सुनना है. अगस्त 1990 में क्या होता है? दिस इज द स्टेट ऑफ इराक. इराक है ये कंट्री और इसके बगल में ये छोटी सी ग्रीन कलर की कंट्री है कुवैत. क्लियर है? चलिए इराक ने कुवैत पे
कब्जा करने की कोशिश करी, यानी कि अपने सारे ट्रूप्स, अपनी जो मिलिट्री है वो कुवैत के रीजन में भेज दी, इन्वेड कर दिया कुवैत को, राइट, क्लियर है, उसमें घुसने की कोशिश करी उसकी टेरिटरी में, ठीक है भैया। और सब्सिक्वेंटली क्या किया, उस पर कब्जा किया, ऑक्यूपाई किया एंड एनेक्सेशन कर ली, यानी कि अब कुवैत वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इराक, राइट, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि इराक कितना बड़ा है और कुवैत कितनी छोटी सी उसकी एक नेबरिंग कंट्री है। तो भैया ऑब्वियसली वी कैन सी दैट दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ वॉर, और ये हम ग्लोबल कम्युनिटी में यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रमोट नहीं करता है। सो लिबरेशन ऑफ कुवैत के लिए, यानी कि फ्रीडम, लिबरेशन यानी कि कुवैत को बचाने के लिए क्या किया गया, काफी सारे डिप्लोमैटिक अटेम्प्ट्स किए गए। डिप्लोमैटिक अटेम्प्ट्स का मतलब कि इराक को बोला गया कि प्लीज आप बैकआउट कर लीजिए, पॉलिटिकली यू नो करेक्टली उनसे बात की गई, उनको पर्सुएड किया गया, बट ऑल दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड, इराक ने कर दिया भैया मना, क्लियर है कि हम तो अपना कब्जा नहीं हटाएंगे। तो भैया जी फिर क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो बाय फोर्स उसकी, भैया पहले तो सुनी नहीं जब हमने डिप्लोमैटिक प्रॉपर प्रोसीजर से आपको बताया दैट यू शुड बैक आउट, तो बाय फोर्स यानी कि एक मैसिव आर्मी को लेके इराक पे हमला करेंगे ताकि भैया इराक कुवैत से हट जाए, इराक कुवैत से अपनी आर्मी हटा ले और वापस से कुवैत को फ्री कर दे, उसकी फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। तो बाय फोर्स यूएन ने ये ड्रामेटिक डिसीजन लिया। ये ड्रामेटिक डिसीजन क्यों था, बिकॉज सिंस द कोल्ड वॉर 1945 से लेके अब तक 1990 तक यूएन ने आज तक ज्यादा कुछ रोल तो प्ले किया नहीं, राइट, सो दिस वॉज वन सच ड्रामेटिक डिसीजन विच वॉज टेकन बाय द यूएन। अब हम इस फोर्स की बात करेंगे, जो मैंने बोला आर्मी जो इराक के अगेंस्ट बनाई गई टू फ्री और टू लिबरेट कुवैत, अ मैसिव कोलिशन फोर्स, ये आर्मी के बारे में बात हो रही है, ऑफ 660,000 ट्रूप्स ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 34 कंट्रीज, यानी कि भैया सारी कंट्रीज ने मिलके अपने कुछ कुछ मिलिट्री मेंबर्स भेजे, राइट, और 660,000 लोगों की मिलिट्री गई टू टेक कंट्रोल ओवर इराक, क्लियर है। दिस केम टू बी नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर, क्लियर है, ये बोल इसको बोला जाता है पहली गल्फ वॉर, दिस इज नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर, क्लियर है। यहाँ तक आगे चलते हैं। अब इस चीज को लेके जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश दी देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने बोला दिस इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सारे कीवर्ड्स हैं इस हमारी फर्स्ट गल्फ वॉर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक कंप्यूटर वॉर भी बोला गया, क्यों भैया, यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ड्स लाइक कंप्यूटर वॉर एंड वीडियो गेम वॉर। कंप्यूटर वॉर इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज हुआ, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनका हैवीली यूज किया गया, सो दैट इज व्हाई दिस वाज नोन एज द कंप्यूटर वॉर। एंड वीडियो गेम वॉर क्यों बोला गया, क्योंकि इस वॉर में वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज थी, यानी कि भैया एक जगह लड़ाई चल रही है और मस्त कैमरा लेके वीडियोग्राफी हो रही है और लोग अपने सोफों पे बैठ के ड्राइंग रूम में आराम से पूरा ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस वाज नोन एज द वीडियो गेम वॉर, करेक्ट है। अब भैया हर एक इवेंट के साथ ऑपरेशन का नाम जुड़ा होगा, सो यू नीड टू मेक अ लिस्ट सेपरेटली कि पहले 1990 में फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज नोन एज द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये हमें याद करना है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब इसमें आप बोलो कि यार दीदी अभी तक हमें यूएस की डोमिनेंस तो देखने को मिली नहीं, तो ये इवेंट कैसे रेलेवेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि अब हमें दिखाई देता है कि यूएस का क्या रोल है इसमें। दिस ऑपरेशन वॉज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन, यानी कि ये जो आप 660,000 फौजी देख रहे हैं, ट्रूप्स देख रहे हैं, इसमें से 75% योगदान तो यूएसए का था, बाकी नाम नाम की तो 34 कंट्रीज है, बट जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है वो है यूएसए, तो इसमें 75% फोर्सेस वर दैट ऑफ द यूएस, क्लियर है। एंड दिस वॉज लेड बाय द अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, ये हमारा सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, राइट,
नाउ वी गेट टू नो द हेजेमोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इवेंट. डन है, चलिए आगे. इराकी प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम? सद्दाम हुसैन. एंड ही वाज द वन हु सेड कि भैया हम डरते नहीं है, आओ हम पे जो हमला करना है करो. दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, राइट? बट सब्सिक्वेंटली इराक वाज लॉस्ट द वॉर एंड द यूएन वाज एबल टू लिबरेट कुवैत. देन चलिए, सो हमारा इवेंट नंबर वन हो चुका है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. नाउ वी मूव ऑन टू द टॉपिक द क्लिंटन ईयर्स. हमने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है. अब भैया क्लिंटन ईयर्स इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश. क्लियर है? इवन आफ्टर विनिंग द गल्फ वॉर, जो 1992 के यूएस इलेक्शंस हुए, वहां पे नया प्रेसिडेंट आ चुका है. Who was he? He was William Jefferson Bill Clinton. तो ये जो Clinton years का नाम है, we are referring here to the president known as William Jefferson Bill Clinton, जो कि 1992 में after George H.W. Bush US के president बन गए थे, right? He was from the Democratic Party. अब भैया जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, नया प्रेसिडेंट आता है, तो सबकी खुद की यू नो पॉलिसीज होती हैं या खुद की थोड़ी आइडियोलॉजीज होती हैं. तो ये क्या मानते थे इन्होंने अपने गवर्नेंस के टाइम के, इन्होंने अपने टाइम पे किन चीजों पे फोकस किया? हिज फोकस वाज ऑन द डोमेस्टिक इश्यूज कि भैया यूएस के अंडर इंटरनली जो इश्यूज है हम उन पे ध्यान देंगे रादर देन ऑन द फॉरेन पॉलिसी. तो उन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया एंड ही एक्चुअली अवॉइडेड द फॉरेन पॉलिसी, राइट? चलिए, अब भैया 4 साल बाद वापस इलेक्शन होते हैं एंड वापस से हमारे क्लिंटन साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं. देयरफॉर 8 साल तक, 1992 से लेके 2000 तक, हमारा विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन रिमेन्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस. सो ड्यूरिंग ऑल दीज इयर्स, ड्यूरिंग द क्लिंटन इयर्स, इट वाज क्लेम्ड दैट यूएस ओनली फोकस्ड ऑन इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड वॉज नॉट फुल्ली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से तो हट ही गया और सारा फोकस वो इंटरनल अफेयर्स पे लगा दिया गया. जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी किस पे ध्यान दिया गया? सॉफ्ट इश्यूज पे रादर देन हार्ड इश्यूज. अब सॉफ्ट और हार्ड का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब होता है आइडियोलॉजी से रिलेटेड एंड हार्ड का मतलब होता है मिलिट्री पावर, जो स्ट्रेंथ है, राइट? जो अग्रेसिव नेचर है उसका मतलब होता है हार्ड. ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के अंदर. सो सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड, इन सब पे फोकस किया गया ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स. हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, राइट? एंड जो हार्ड इश्यूज थे उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, लाइक द मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट? सो वी नो कि उनका जो झुकाव था वो डोमेस्टिक इश्यूज की तरफ था, राइट? चलिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर उन पे कोई हमला करेगा, यूएस पे उस टाइम पे अगर किसी ने हमला किया या फिर आने उसको ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो क्या उन्होंने बिल्कुल मिलिट्री पावर का यूज नहीं किया? व्हाट वाज हिज टेक? क्या वो मिलिट्रीली एक्टिव थी यूएस स्टेट? सो वील टेक अ लुक इनटू दिस. तो भैया यहाँ पे दो इवेंट्स हैं जो हमें क्लिंटन ईयर्स के दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस की इनसाइट देते हैं. नंबर वन है हमारा 1998 में, जब केनिया और तंजानिया के अंडर यूएस एम्बेसीज की बॉम्बिंग हुई. देखो, अब हर एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं. जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली में काफी सारी फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज है, लाइक द यूएस एम्बेसी, कनाडा, पाकिस्तान, राइट? सारी कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं. तो वैसे ही जो यूएस की एम्बेसीज थी, कहाँ पे? केनिया और तंजानिया में, वहां पे बॉम्ब फेंके गए, बॉम्बिंग हुई, राइट? और इन बॉम्बिंग में किसका हाथ था? अलकायदा, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. सो अकॉर्डिंगली जो अलकायदा के ग्रुप्स थे वो कहाँ पे प्लेस थे? सुदान और अफगानिस्तान पे. तो सुदान और अफगानिस्तान में यूएस ने क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स करी, वापस काउंटर अटैक किया, हमला किया, एंड दिस इवेंट केम टू बी नोन एज
ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, अगेन यू नीड टू रिमेम्बर दिस, कंफ्यूज नहीं होना है. पहले वाला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एंड दिस इज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच. और जो हमारा सेकेंड इवेंट है वो हुआ 1999 में. अब इसको थोड़ा डेप्थ में, अब इसको ज्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली समझेंगे. युगोस्लाविया जो कंट्री है उसमें एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि जैसे श्रीलंका के अंडर तमिल्स और सिन्हालास के बीच में रिवोल्ट था एथनिक डिवाइड के बेसिस पे, वैसे ही युगोस्लाविया में जो प्रीडोमिनेंस है सर्बियन लोगों का, उसके एक प्रोविंस में, अगेन युगोस्लाविया के एक छोटे से हिस्से में विच इज नोन एज कोसोवो, वहां पे दूसरी एथनिसिटी के लोग रहते हैं हु आर नोन एज अल्बेनियन. तो सर्बियन और अल्बेनियन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. सो युगोस्लाविया वॉज टेकिंग ओवर एंड इट वॉज ऑप्रेसिंग द पीपल ऑफ द अल्बेनियन एथनिक ग्रुप हु बिलोंग टू द कोसोवो डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगोस्लाविया. तो इसके अगेंस्ट नेटो ने, जो कि हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एन अलायंस ऑफ द यूएस, उन्होंने मिलके एक स्टेप लिया. द एयर फोर्सेस ऑफ नेटो कंट्रीज लेड बाय यूएस, जहां पे लीडर कौन था, यूएस था, बॉम्बार्डेड टारगेट्स अराउंड युगोस्लाविया फॉर वेल ओवर 2 months. 2 महीने तक वहां पे बॉम्बिंग हुई, फोर्सिंग द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्लोबोदान मिलोसेविक. यू शुड रिमेम्बर द नेम स्लोबोदान मिलोसेविक, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, एंड द स्टेशनिंग ऑफ नेटो फोर्स इन कोसोवो. तो भैया कोसोवो को सेव कर लिया किसने, नेटो लेड बाय द यूएस बाय बॉम्बिंग द युगोस्लावियन टारगेट्स एंड देयर बाय लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द युगोस्लावियन गवर्नमेंट, राइट. तो ये दो इवेंट्स हैं विच टुक प्लेस अंडर द ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स. तो हमने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है, यू कैन गिव इट अ रीडिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक विच इज 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. नाउ 9/11 का मतलब है 11 September 2001, यानी कि 11/9/2001, राइट. बिकॉज यूएस में पहले मंथ लिखा जाता है एंड देन डेट लिखी जाती है. ये काफी पॉपुलर इंसिडेंट है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आपने ये सुना ही होगा. आज हम इन डेप्थ समझेंगे कि हुआ क्या था. सो ऑन 11 September 2001 ये मैंने 4 एरोप्लेन बनाए हैं जो यूएस के थे, ठीक है भैया. ये 4 प्लेन है यूएस के जिनको हाईजैक कर लिया गया, ठीक है. हाईजैक तो सबको पता ही है क्या होता है, राइट. टेररिस्ट ग्रुप ने मिलके उस एरोप्लेन पे कब्जा कर लिया, ठीक है. एंड देयर वर 19 हाईजैकर्स इन टोटल हेलिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज. दे टुक कंट्रोल ओवर दीज 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड फिर क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो स्ट्रक्चर्स थे यूएस में उन उधर जाके इन प्लेन्स को ऐसे टकरा दिया ताकि वो बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि वो बिल्डिंग है जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. इससे क्या पता चल रहा है, दैट वी आर शोइंग कि जो टेररिस्ट्स हैं वो ये दिखाना चाहते हैं दैट यूएस यू आर नथिंग एंड मतलब वो उसके अगेंस्ट है और ये देखो हम कैसे तुम्हारी सारी पावर को हटा रहे हैं, ओके. तो जो ये भैया फर्स्ट प्लेन था यूएस का, ये जाके क्रैश हुआ नॉर्थ टावर. जो ये पहले 2 प्लेन थे, प्लेन नंबर 1 प्लेन नंबर 2, 1 एयरलाइनर ईच क्रैश इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर और साउथ टावर में जाके पहले 2 एयरक्राफ्ट टकरा गए. दिस लेड टू द क्रैश ऑफ बोथ ऑफ द टावर्स. फिर हम चलते हैं जो थर्ड एरोप्लेन था यूएस का, उसको क्रैश किया गया पेंटागन बिल्डिंग में विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएस डिफेंस, आर्मी नेवी और एयरफोर्स कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है पेंटागन बिल्डिंग में, उसमें जाके क्रैश कर दिया, राइट. और जो फोर्थ था भैया, जो फोर्थ एयरप्लेन था वो था तो बना कैपिटल बिल्डिंग के लिए, जो यूएस का सेनेट है, जो पार्लियामेंट है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये बच गया क्रैश होने से एंड इट फ्लू एंड इट केम डाउन इन अ फील्ड इन पेंसिल्वेनिया. तो फोर्थ क्रैश नहीं हुआ, क्लियर है. नाउ
यूएस का क्या रिस्पॉन्स था, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट कौन था, उसकी आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज कैसी थी। तो हमारा भैया 1992 से लेके हमारा 2000 तक तो क्लिंटन साहब थे, उसके बाद 2001 ऑनवर्ड्स थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, हु वाज द सन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, उनके बेटे, राइट। सो ही वाज द प्रेसिडेंट बैक देन। अब भैया ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि हम इंटरनल पॉलिसी पे फोकस करेंगे, ही वाज आउट देयर कि हम एकदम बराबर का टक्कर देंगे, बराबर का हमला करेंगे। बिकॉज ये जो अटैक था 9/11 का, इसमें मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड, एंड इसको बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट से कंपेयर किया गया, लाइक द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन डीसी इन 1814 एंड द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941। इतना ज्यादा ये एक सीवियर अटैक था। सो नाउ व्हाट हैपेंड, क्या किया प्रेसिडेंट ने? नाउ इन रिस्पॉन्स द यूएस वॉज वेरी फास्ट, वेरी स्विफ्ट कि भैया हम तो जल्दी से देंगे जो जवाब देना है। सो यूएस कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कि भैया ये जो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैल रहा है, हम इसी को मिटा देंगे। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म इटसेल्फ, टेरर को मिटा देंगे जड़ से। एंड दिस वाज नोन एज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये हमारा तीसरा ऑपरेशन का नाम आ गया है। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, एक चार्ट बना लीजिए, राइट। सो 9/11 के रिस्पॉन्स में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम किया, किसके अगेंस्ट किया? जो टेररिस्ट ग्रुप सस्पेक्टेड थे जो इसमें मिले हुए हैं, नंबर वन अलकायदा एंड नंबर टू द तालिबान रिजीम, और ये कहाँ थे? इन अफगानिस्तान। सो ये जो तालिबान रिजीम था, इट वाज इजीली ओवरथ्रोन, बट अलकायदा और तालिबान दोनों के अभी यू नो वी कांट गारंटी कि 100% मिट चुका है टेररिज्म, राइट। रेमिनेंट्स अभी भी इधर उधर पोटेंशियल थ्रेट्स करते हैं। एंड इस ऑपरेशन के अंडर क्या किया? यूएस फोर्सेस, जो यूएस के जो यूएस गवर्नमेंट थी, दे मेड अरेस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सीक्रेट प्रिजंस में अरेस्ट होती थी। जो अरेस्ट हो रहा है, जो बंदा है, जो टेररिस्ट है, जो उसकी खुद की कंट्री को भी नहीं पता होता था दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, बहुत ज्यादा ही सीक्रेटिव होती थी, ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड। उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था अक्रॉस कंट्रीज इन सीक्रेट प्रिजंस। फॉर एग्जांपल ग्वांतनामो बे, विच इज अ यूएस नेवल बेस इन क्यूबा, क्लियर है, एग्जाम्पल है, सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वहां पे ना ही इनको कोई इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है भैया, ना ही इनकी खुद की कंट्री का लॉ यानी कि ओन कंट्रीज लॉ, एंड ना ही यूएसए का लॉ, राइट। सो सीक्रेटली डिटेन कर दिए जाते थे टेररिस्ट्स। इज इट क्लियर? सो दिस वाज आवर 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अब हम चलते हैं लास्ट इवेंट पे, जो कि होता है ऑन 19 मार्च 2003। अब भैया 2003 में यूएस लॉन्च करता है इन्वेजन ऑफ इराक कि भैया हम जाके इराक पे कब्जा करेंगे, अंडर व्हाट इज नोन एज द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, क्लियर है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, अगेन हैशटैग फोर्थ ऑपरेशन डन। अब भैया क्या होता है, इस इन्वेजन के लिए यूएस को यूएन की अप्रूवल नहीं मिलती है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, इट डिसअप्रूव्स of this invasion, clear है? In retaliation to this, US क्या launch करता है? एक US-led coalition of the willing कि भैया कौन-कौन सी countries मेरे साथ आना चाहती हैं मुझे support करने, जिसके under 40+ countries join it, clear है? तो यहाँ पे हमारा UN की disapproval के बाद US-led coalition of the willing with 40+ countries चल के हमला करता है इराक पे, उसको ओवरथ्रो करता है और कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली यूएस हेजेमनी कि भैया यूएन की भी बात नहीं मानी गई। नाउ कम्स द क्वेश्चन व्हाई कि इराक पे ये जो इन्वेजन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू यूएस, यूएस का रीजन था कि इराक वॉज डेवलपिंग WMD, WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये सब डेवलप कर रहा है इराक। हाउ एवर
यानी कि एक और कंट्री जो यूएस के फेवर में है, जो यूएस के ऊपर रिलाई करती है कंप्लीटली. क्लियर है? सो दीज वर द टू एक्चुअल रीजंस ऑफ दिस इन्वेजन. नाउ जब ये अटैक हुआ तो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट, जो इराकी गवर्नमेंट थी, वो ऑब्वियसली गिर गई, स्विफ्टली ओवरटेक हो गई. बट इट इज डिफिकल्ट टू पैसिफाई पीपल, लोगों को परसुएड करना, लोगों को इस यूएस के रूल को प्यार करना इन इराक वॉज वेरी मुश्किल. सो दिस लेड टू फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन. यानी कि लोगों के बीच में जो इंटरनल फंक्शनिंग है इराक की, द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द यूएस टेक ओवर एंड उनके अगेंस्ट पूरा विरोध चालू हो गया. यूएस लॉस्ट ओवर 3,000 मिलिट्री मैन, मिलिट्री पर्सनल. इराक में 50,000 लोगों की डेथ हुई एंड दीज वर मेजरली सिविलियंस. तो आप देख सकते हैं कि ये फालतू की वॉर, ये जो यूएस लेड इन्वेजन था बहुत ही फालतू का, इसको बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर बोला गया ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द यूएस. क्लियर है? सो दिस वॉज द इवेंट ऑफ द इराक इन्वेजन. अब हमारे सारे इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. Now we shall move on to the meaning of hegemony, types of hegemony. जो हमारा theoretical part है, हम वो समझेंगे. So let's move on. Now let's understand the theoretical part of it. Hegemony का मतलब हम समझ चुके हैं power, right? And the roots of this word lie under classic Greek. देखिए, the roots of the word hegemony lie in classic Greek, जहाँ पे जो Athens की predominant position थी over the other city states of Greece, उसका example दिया गया है, right? चलिए, so hegemony denote करती है an international system, यानी कि पूरे world की बात हो रही है, with only one center of power, one pole नहीं, यहाँ पे unipolar को बोला गया है कि ये तो फिर भी the word pole derives from the idea given in the physics, but यहाँ पे हम इसको center बोलेंगे. With only one center of power, which is the US, right? So kind of a unipolar world, which was the formation after the Cold War period. ठीक है भैया, चलिए. अब ये जो हमारी hegemony है, it is being divided into three types. Hegemony as hard power number one, यानी कि militarily जो defensive powers हैं, जो military capabilities हैं, that is known as the hard power. Then comes hegemony as structural power, economic influence कैसा है, financially, money aspect की बात करेंगे. और जो institutions है, कितना पूरे world में US के ऊपर countries dependent है. And then hegemony as a soft power, यानी कि cultural and ideological aspect of it. So ये तीनों चीजें बहुत easy है, आप एकदम से समझ जाएंगे, घबराना नहीं है. Let's begin with hegemony as hard power. So, हमारा hard power के अंदर क्या चीजें deal हो रही हैं? Relations, patterns and balances of military capabilities between states. यानी कि आपस में countries एक दूसरे से related कितनी ज्यादा military capable है, कितनी ज्यादा successful है अपनी troops को लेके, कितनी power है किसके पास. तो भैया, जो यूएस की पावर है वो सबसे ज्यादा है, सुपीरियोरिटी ऑफ मिलिट्री पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? सारी कंट्रीज से ज्यादा जो मिलिट्री पावर है, जो हार्ड पावर है, वो यूएस की है. कैसे? जो अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस है, इट इज बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब है ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, ऐसी न्यूक्लियर पावर है, स्मार्ट बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, जो accurately, lethally and real time, यानी कि एकदम निशाने पे बहुत ज्यादा जल्दी, एकदम fast, real time में, अभी के समय में, ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉम्ब फेंका और वो 20 साल बाद पहुंच रहा है, राइट? और lethally, यानी कि एकदम उस killing power के साथ, जो actual में एक change वहां पे cause कर सकता है, लोगों को मार सकता है, ऐसी military capabilities हैं, राइट? और साथ ही साथ अगर यहाँ पे ऑफेंसिव पावर है लोगों को मारने की, तो यहाँ पे डिफेंसिव पावर्स है खुद की फोर्सेस को बचा के रखने की, ओन फोर्सेस जो कि शेल्टर्ड है, राइट?
चलिए, सो दिस इज द एब्सोल्यूट मिलिट्री डोमिनेंस. और रिलेटिव में देखे तो भैया दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है. नो अदर पावर कैन मैच देम, क्योंकि भैया जो यूएस का स्पेंड है इट इज मोर देन द नेक्स्ट 12 कंट्रीज. यानी कि नंबर वन पे यूएस है, फिर अगर हम समझे चाइना है, रशिया है, इंडिया है. तो ऐसी जो 12 कंट्रीज है उनका टोटल मिलिट्री स्पेंड मिला के भी यूएस का एक इकलौती कंट्री का मिलिट्री स्पेंड ज्यादा है, राइट. चलिए, उसके बाद मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती है यूएस की गवर्नमेंट, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करती है अपनी मिलिट्री में, जो कि क्वांटिटी यानी कि इन नंबर्स एज वेल एज इन क्वालिटी जो इम्पैक्ट वो कॉज करती है दोनों में ही एकदम टॉप नॉच है, राइट. सो दीज आर द प्लस पॉइंट्स, द मिलिट्री कैपेबिलिटीज, द मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ अमेरिका. सो ये जो डोमिनेंस है मिलिट्री की, ये सिर्फ और सिर्फ हायर मिलिट्री स्पेंड से नहीं है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल गैप एंड द क्वालिटेटिव गैप बिटवीन द मिलिट्री पावर ऑफ अदर कंट्रीज, राइट. चलिए, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, इंपीरियल पावर्स थ्रू हिस्ट्री हैव यूज्ड मिलिट्री फोर्सेस टू अकम्प्लिश ओनली 4 टास्क्स. चार रीजंस की वजह से हमें मिलिट्री चाहिए होती है. नंबर वन, कॉन्कर, किसी को किसी पे कब्जा करने के लिए. नंबर टू, डिटर यानी कि खुद को बचाने के लिए. नंबर थ्री, पनिश, बदला लेने के लिए, राइट. एंड नंबर फोर, पुलिस, यानी कि वहां के लोगों पे अपना कब्जा बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लोगों को गवर्न करने के लिए, राइट. तो इन चार टास्क को अगर हम एनालाइज करें तो ये जो फोर्थ टास्क है पुलिसिंग की, इधर यूएस हैज फेल्ड. क्यों भैया? क्योंकि हमने इराकी इन्वेजन वाले इवेंट में देखा दैट द पीपल ऑफ इराक वर इंसर्जेंट टुवर्ड्स द यूएस ऑक्यूपेशन, एंड इससे हमें पता चलता है कि जो यूएस की पुलिसिंग पावर है इट इज नॉट दैट केपेबल, राइट. सो ये हमें पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल पावर पे, जिसको हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेट किया है. सो एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी जहां पे बाकी सारी कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टेड है ट्रेड के पर्पसेस से, रिक्वायर्स अ हेजमन या फिर लीडर या फिर एक डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस. यानी कि भैया पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज आपस में वर्ल्ड इकोनॉमिकली कनेक्टेड है, तो ऊपर एक सुपर पावर होनी चाहिए जो इनको देख रही है, सपोर्ट कर रही है, इस एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बना पा रही है. और इस हेजमैन के पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी, यानी कि वो काबिल है, वो लायक है इस चीज के, प्लस डिजायर, इच्छा, वो चाहता है ये करना. क्या? टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स फॉर ऑर्डर एंड टू सस्टेन ग्लोबल स्ट्रक्चर. कि एक आप रूल बुक बना रहे हैं ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, एंड टू सस्टेन ग्लोबल स्ट्रक्चर, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही बना रहे प्रॉपरली, राइट. सो दिस इज द रोल प्लेड बाय द यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स. अब ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स का क्या मतलब होता है? ये ऐसे गुड्स हैं जो अगर एक इंसान यूज कर रहा है तो दूसरे इंसान की यूज करने की कैपेबिलिटी को वो रिड्यूस नहीं कर रहा है. इट इज अवेलेबल फॉर ऑल. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश एयर, रोड्स, चाहे कितनी गाड़ियां चले रोड्स पे गड्ढे तो नहीं हो रहे हैं अगर कोई एक गाड़ी चल रही है फिर दूसरी नहीं चल पाएगी, राइट. एवरीबडी कैन यूज देम इक्वली एंड एफिशिएंटली विदाउट रिस्ट्रेनिंग द अदर पर्सन, राइट. सो दीज आर नोन एज ग्लोबल पब्लिक गुड्स. और यूएस ने रोल प्ले किया है इन गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड. क्या है एग्जाम्पल इन ग्लोबल पब्लिक गुड्स का? नंबर वन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCs. These are the routes which are commonly used by merchant ships for free trade. Free trade के लिए ये routes हैं जो ocean में use किए जाते हैं, and these are provided by the US. चलिए, वो hegemonic power है, उसकी जो navy होती है, वही इनके rules and regulations लिखती है. So the multi-oceanic US Navy underwrites the law of sea. कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो यहाँ पे
माने जाएंगे, फॉलो होंगे एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कि हर एक कंट्री को यहाँ पे अलाउंस है टू ट्रेड एंड टू इंडल्ज इन फ्री इकोनॉमिक बेनिफिट एस्पेक्ट. क्लियर है? अनदर एग्जाम्पल इज इंटरनेट. ठीक है, पहला है हमारा SLOCs, फिर हम आते हैं इंटरनेट पे. इंटरनेट किसकी इन्वेंशन थी? इट वॉज आउटकम ऑफ द US मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट इन 1950. तो ये जो भैया हमारा इंटरनेट है ये भी एक US का ही प्रोडक्ट है. देन सब्सिक्वेंटली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट जिससे इंटरनेट चलता है, दीज आर ऑल्सो ओन्ड बाई US. Then we come on to some facts and figures. US का share world economy में, देखो ये NCERT to NCERT वेरी करता है. मेरी NCERT थोड़ा पुराना एडिशन है तो अगर थोड़ा भी स्टैटिस्टिकल चेंज है आप अपडेट कर सकते हैं, राइट? सो US share of the world economy 28%, US share of world trade 15%. हर एक सेक्टर में US की जो फर्म्स है वो टॉप थ्री में तो आती ही आती है. Then comes the invention of Bretton Woods system, जिससे जन्म हुआ World Bank, IMF और World Trade Organization जैसे institutions का, जिनका आज के दिन एक indispensable role है in the international community. And then the study of MBA, Masters in Business Administration, this is the product of America itself. Now let's move on to soft power. ये soft power क्या है? जो हमने cultural और ideological aspect बोला है. देखिए, soft power यहाँ हम बात करते हैं capacity to manufacture consent. एक होता है किसी को persuade करना, किसी को मनाना, समझाना, बहलाना, फुसलाना या फिर forcefully coerce करना, जबरदस्ती उसको अपनी बात मनवाना, right? But US की जो ideology है इट हैज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट कि लोग खुद अपनी मर्जी से उसको अब फॉलो करते हैं, राइट? तो सॉफ्ट पावर के अंडर हम किन चीजों की हेजमनी की बात करेंगे? सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स की, कि कैसे US सोशली, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली अपनी एक हेजमनी क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड वाइड. ये हेजमनी कैसे पैदा होती है? When the dominant country or the dominant class can win the consent of whom? Of the dominated countries or the classes to view the world as the dominant country wants. कि भैया ये जो dominant है, US है, ये जो other developing countries है, उसको अपने point of view से चीजों को view करने के लिए क्या कर पा रहा है? राजी कर पा रहा है थ्रू कंसेंट, मोस्टली कंसेंट, क्योंकि कोअर्शन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, राइट? सो ये जो कल्चरल प्रेजेंस है भैया वेस्टर्न कल्चर की, ये क्या है? ये बहुत ज्यादा सिडक्टिव है एंड पावरफुल है. लोगों का खुद देख के इसको मन करता है अपनाने का, राइट? आप खुद से जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं, बट पीपल वॉन्ट टू परस्यू इट. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ही सिडक्टिव है, बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव है एंड वी विश टू टेक ऑन दिस कल्चर. तो सॉफ्ट पावर क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परसुएड रादर देन कोअर्स. फोर्सफुली नहीं, लोगों को अपने दम पे मनाने से, अपनी क्वालिटीज दिखाने से परसुएड करना, ये है एबिलिटी सॉफ्ट पावर की, राइट? फॉर एग्जाम्पल भैया ब्लू जीन्स. देखो आज के दिन में तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो आप इंग्लिश पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, राइट? आप अमेरिकन शोज देख रहे हैं, एवरीथिंग, द कल्चर ऑफ वैलेंटाइंस डे, ईच एंड एवरीथिंग जो हम ग्लोबलाइजेशन में भी पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, राइट? तो यहाँ पे वही बात हो रही है. सॉफ्ट पावर के अंडर हमारा सॉन्ग्स, फूड, कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ आ जाता है. So even during the Cold War between USA and USSR, USSR के जो youth था, वहाँ के जो लोग थे, they were very influenced by the concept of blue jeans, क्योंकि उन्हें लगता था that blue jeans was the ultimate symbol of liberalization, of liberation, of freedom, कि हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, right? So ऐसे जो soft power है वो बहुत ज्यादा massive role play करती है.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर. ये जो हेजेमनी है अमेरिका की, इस पे क्या रोक टोक है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अमेरिका की हेजेमनी को एक लेवल तक रोक सकते हैं, कंस्ट्रेन कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स रीड द कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर. सो द कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन हेजेमनी, ऑन यूएस हेजेमनी लाई विदिन द हार्ट ऑफ हेजेमनी इटसेल्फ. भैया हेजेमनी के अंदर ही है ये. नंबर वन इज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ. जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स. यानी कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, विच इज द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्ट करती है एक दूसरे के एक्शंस को, विच आर अनरिस्ट्रेन्ड और इमॉडरेट, राइट. सो द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ इज अ मेजर कंस्ट्रेंट ऑन यूएस हेजेमनी. देन कम्स द सेकंड पॉइंट, विच इज डीप स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर. जो वहां का यूथ है, जो वहां के सिटीजंस है, दे हैव अ डीप स्केप्टिसिज्म, यानी कि डाउट है अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर. यानी कि क्या पर्पस है और क्या मेथड्स है गवर्नमेंट के, क्या वो पॉलिसीज निकाल रही है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है. तो ये जो शक की भावना है ये हमेशा रहती है, राइट. सो दिस कंस्ट्रेंट इज डोमेस्टिक इन नेचर. इट इज अबाउट द पीपल ऑफ यूएस इटसेल्फ एंड द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी. देन वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. जो हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट है, दैट इज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द यूएस अलायंस, राइट. सो द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम दैट कुड मॉडरेट अमेरिकन पावर. क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे यूएस को दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज अलायंस, राइट. सो नेटो इज आवर थर्ड कंस्ट्रेंट. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस. तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप, भैया पहले ड्यूरिंग कोल्ड वॉर की बात करेंगे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1945 के टाइम पे भैया इंडिया वॉज क्लोज टू यूएसएसआर. तो तब ज्यादा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था विद यूएस. देन ड्यूरिंग 1990s केम इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इंडिया ने अपने आप को ओपन कर दिया इकोनॉमिकली टू द ग्लोबल मार्केट, राइट. सो यूएस इंडिया इंटरेक्शन बढ़ा. तो इट वॉज दीज पॉलिसीज एंड इंडियाज इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स विच मेड द कंट्री एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर फॉर द यूएस, राइट. चलिए अब जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है ये इन दो मेन फैक्टर्स पे बेस्ड है. नंबर वन टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड नंबर टू इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा. डायस्पोरा यानी कि जो इंडिया के लोग यूएस में काम कर रहे हैं, ओके. चलिए सो ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस आर ऑन पेज नंबर 45. कि भैया द यूएस अब्सॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर सेक्टर. देन 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन. 3 लाख इंडियंस वर्क इन द सिलिकॉन वैली. 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन्स. ठीक है, ये हमारे फैक्ट्स हैं. अब हम बात करेंगे अबाउट द टेक ऑन इंडिया यूएस रिलेशनशिप. कि क्या तीन चीजें बोली गई हैं ग्लोबली बाय इंडियन एनालिस्ट्स. बाय इंडियन एनालिस्ट्स तीन स्ट्रेटजीज बताई गई हैं टू टैकल यूएस. नंबर वन इज टू भैया मेंटेन डिस्टेंस. कि आप इंडिया मेम साहब यूएस से दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो एक हार्ड पावर है और उसकी इतनी मिलिट्री पावर है कि हम पे गलती से हमला कर दिया तो बस बस क्या ही होगा. तो आप खुद की ओन नेशनल पावर पे फोकस कीजिए एंड यूएस से दूरी मेंटेन कीजिए. देन कम्स द सेकंड स्ट्रेटजी. कि भैया ये तो एक बहुत अच्छा मौका है, जो आपका दोस्त है वो टॉपर है, जो यूएस है वो एक हेजमैन पावर है. सो दिस इज एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज और इसको अपने फायदे के लिए यूज करो इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अगर आप उनसे ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड कीजिए ताकि आपकी खुद की इकोनॉमी फ्लरिश हो. एंड देन कम्स द थर्ड स्ट्रेटजी, विच इज कि भैया ये सब छोड़ो इंडिया मेम साहब, आप ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अपना खुद का एक कोलिशन बनाओ, जैसे आपने नैम बनाया था, राइट.
खुद का एक डेवलपिंग कंट्रीज का कोलिशन बनाओ जो बाद में जाके यूएस को टक्कर दे सके, राइट? सो दीज आर द थ्री टेक्स by Indian analysts on India's position with US in the global structure. अब हम आते हैं अपने last topic पे, how can hegemony be overcome? Hegemony को हम कैसे मिटा सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर US है तो बाकी countries उससे ऊपर कैसे पहुंच सकती है? How is this possible? तो सबसे पहली strategy जो बताई गई है वो है bandwagon strategy. वही बात जो मैंने बताई कि बेस्ट फ्रेंड आपका टॉपर है तो इंस्टेड ऑफ उससे लड़ाई करना आप उससे उसके नोट्स लीजिए, अपना खुद का फायदा निकालिए. सो इंस्टेड ऑफ अपोजिंग द सुपर पावर द हेजेमेनिक पावर, एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन द हेजेमेनिक सिस्टम. यार उसके अंडर काम करो और अपने फायदे का काम निकाल लो. दिस इज नोन एज बैंड वैगन स्ट्रैटेजी. क्लियर है? फिर चलते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी पे, जो कि है हाइड. यानी कि अगर यहाँ पे कोई गुस्से में गन लेके खड़ा है, राइट, ठीक है, और आप उसके सामने जान के आएंगे तो भैया गोली तो आपको भी लग सकती है, और अगर आप उससे दूर रहेंगे तो आपका कोई स्कोप नहीं है, राइट? सो स्टेइंग एज फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल, उसकी नजरों में ही बताओ यार. सो टू स्टे बिलो द रडार एंड नॉट ओवरली और अनड्यूली एंटेगनाइज यूएस, उसको जबरदस्ती विलन मत बनाओ, ठीक है जी. चलिए, बट एनी हाउ ये जो हाइड वाली स्ट्रेटजी है ये कुछ ऐसी सुपर पावर्स लाइक चाइना, इंडिया, रशिया, ये मेजर पावर्स फॉलो नहीं कर सकती. चलिए फिर चलते हैं थर्ड स्ट्रेटजी पे, विच इज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. यानी कि कंट्रीज को छोड़ के जो बाकी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सोशल मूवमेंट्स, पब्लिक ओपिनियन, द रोल ऑफ मीडिया, इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं टू इन्फॉर्म द यूएस अबाउट इट्स पॉलिसीज एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? आजकल वी ऑल नो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आर लाइफ्स. देन कम्स द लास्ट पैराग्राफ जहाँ पे ग्लोबल विलेज की बात हुई है. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो गाँव है, जो विलेज है, उसका अगर मुखिया द विलेज हेडमैन इज एन इनटॉलरेबल पर्सन, वो बहुत क्रूड है, तो आप क्या करते हैं? आप विलेज को छोड़ के तो नहीं जाते हैं, राइट? आप मिलके उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, रेजिस्ट करते हैं. सो द फोर्थ स्ट्रेटजी इज टू कलेक्टिवली रेजिस्ट. रेजिस्टेंस है हमारा फोर्थ स्ट्रेटजी टू ओवरकम द यूएस हेजेमनी. हाउएवर अगर हम आज की बात करें, द वर्ल्ड इज Not a unipolar world, right? We have a multipolar world जहाँ पे काफी सारी countries forefront में है, like US, China, Russia, India, France, right? So this is something which needs to be updated in our NCERTs. And guys, that is it for the explanation. मैंने हर एक topic को cover किया है. आप साथ साथ notes के NCERT को भी अगर read करेंगे 100% clarity आ जाएगी. And बाकी chapters के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मेक श्योर टू चेक इट आउट. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कैसी लगी है वीडियो एक्सप्लेनेशन. सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यू आर एट ह्यूमैनिटीज. हैप्पी लर्निंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.